tandoori chicken, aloo gobi, then chicken biryani. Oh, Lilia, you are from? I'm from Kerala, Kerala. South part of India. मजेदार, लाजवाब, बहुत लाजवाब। ये प्याज है भाई, प्याज। ये देखो भाई, ये सब हलवे हैं। ये चाय फ्रेश नजर आ रही है, सारी की सारी फिश। पूरा एक गार बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहा करते थे, यहाँ पे कार्विंग्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहाँ पे है बीबी हकीमा का मज़ार और ये एक मस्जिद भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और मैं मौजूद हूँ भाई बाको में। आज हम जाएंगे गोबिस्तान। गोबिस्तान बेसिकली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत हिस्टोरिकल साइट है। उसके अलावा आज हम कुछ स्ट्रीट फूड इन्जॉय करेंगे, निज़ामी स्ट्रीट जाएँगे, बाज़ार जाएँगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्जॉय करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ हमारी टीम भी आ गई है और बस ये कहना रह गया है तो फिर चले चले। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं कोबुस्तान में और कोबुस्तान जो है ना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे ये ओपन म्यूज़ियम है, एक पीछे जो है ना वो इंडोर म्यूज़ियम भी है जो उन्होंने इंटरेक्टिव बनाया हुआ है। पहले हम आए हैं कोबुस्तान में और मेन चीज़ जो यहाँ पे है वो ये कि यहाँ पे स्टोन एज पत्थर के ज़माने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिली थी और इसको पूरा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। यहाँ पे ये एक पत्थर भी रखा हुआ है जिसको आप बजाते हैं तो उसमें से जो है ना वो टीन के जैसी आवाज़ आती है। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से डिटेल्स लिखी हुई है हर चीज़ की। यहाँ से हम एंटर होंगे और जमील हमें गाइड करते जाएंगे। जमील, शुड वी स्टार्ट? या, लेट्स गेट स्टार्टेड। चले, ऐसा लग रहा है टीन का डब्बा बजा रहे हैं, हालांकि ये है पत्थर और ये पत्थर जो है वो सिर्फ ये गोबिस्तान के अंदर ही पाया जाता है। वेरी नाइस यार। डांसिंग पीपल, इट्स अ कलेक्टिव डांस डेटिंग बैक टू मेसोलिथ। या, मेसोलिथ इज द पीरियड बिलोंग्स एंड डेट्स आई मीन टू द स्टोन एज पीरियड। और यहाँ पे एग्जैक्टली इसको प्रिंट कर दिया इन्होंने, जो स्टोन के ऊपर प्रिंट हुई है चीज। भाई जमील ने भी बताया कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, माना ये जाता है कि वो काफ़ी साइंटिफिकली और बहुत मॉडर्न थे, एडवांस थे अपने ज़माने के हिसाब से। और यहाँ पे गाय के, काउस के भी काफ़ी सारे निशान मिले हैं और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनकी भी कार्विंग्स हुई हुई हैं। 6,000 से ज़्यादा स्टोन प्रिंट्स जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद हैं और हर जगह इसी टाइप की जो है ना वो ड्राइंग्स बनी हुई हैं जिसमें काउज भी हैं, स्नैक्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और लोगों ने अपने पैटर्न बनाए हुए, स्टोरीज बनी हुई हैं पूरी पूरे स्टोन स्टोन्स के ऊपर। यहाँ बिल्लियाँ बहुत हैं, बिल्ली, काली बिल्ली। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही? मोटी मोटी बिल्लियाँ हैं क्योंकि ठंड का मौसम है ना। काली बिल्ली है भाई और ये ठंड का मौसम है ना असल में, तो ये मोटी मोटी बिल्ली है। ये मोटी मोटी बाल देखे ना, कितने जबरदस्त प्यारे मजे के बाल। ये देखें भाई, ये है पत्थर के जमाने का गार। यहाँ पे लोग जो है ना स्टोन एज के अंदर रहते थे। ये समझे कि एक दरवाजा था और उस दरवाजे से हम अंदर आए हैं। ये पूरा एक गार बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहा करते थे, यहाँ पे कार्विंग्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये वो जगह है जहाँ पे आग जलाई जाती थी। यहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं आग के, यहाँ पे वो आग जला के या तो खाना पकाते थे या इस प्लेस को गर्म रखने के लिए ये काम करते थे। और यहाँ से इन्होंने आगे एक्सकवेशन बंद कर दी क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन ये पूरी प्लेस ऐसा लगता है कि आप किसी घर के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही मतलब ये पत्थर के ज़माने के लोग यहाँ पे रहते थे, तो वही ये ऐसा तजुर्बा है मेरी ज़िंदगी का कि जो है ना जो मूवीज़ के अंदर ही खाली देखा था और आज अपनी आँखों से ये देखने को मिल रहा है। और एक्चुअल जो स्टोन एज लोग रहते थे वो ये जगह है। सुभान अल्लाह। मुस्तकिल जो है ना वो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में ठीक ठाक मज़ीद इजाफा हो गया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे रास्ते में लंच करेंगे एंड देन वी विल गो टू बाजार।
इस जगह भी मौजूद हूँ। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो रिलीजियस विज़िट करते हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे है बीबी हकीमा का मज़ार, और ये एक मस्जिद भी है। वो 8वीं शिया इमाम इमाम रज़ा की सिस्टर थी, और यहाँ पे वो आई तो एक हैबत नामी शख्स ने उनको यहाँ पे पनाह दी, अपने पास रखा। लोग जब पूछते थे कि ये कौन है तो वो कहते थे कि भाई ये हैबत के साथ हैं, हैबत की आंटी हैं, तो वो या उनके रिश्तेदार हैं। तो इस जगह का, इस इलाके का, सबका जब पूरा का नाम पड़ गया बीबी हैबत। तो ये जो मस्जिद पीछे नज़र आ रही है, ये है बीबी हैबत मस्जिद। यहीं पे अभी हमने जोहर की नमाज़ भी पढ़नी है, और यहाँ से जो है ना वो खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। सामने जो है वो पोर्ट का एरिया है, मॉडर्न दुबई भी नज़र आ रहा है, समंदर भी है, कैस्पियन सी। तो ये बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है, और पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, तो जब आतिशपरस्त लोग होते थे यहाँ पे उस ज़माने में, तो वो वहाँ पे उस उधर ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर अपनी जो उनके जो मैयतें होती थी, जो लोग इंतकाल करे जाते थे, उनको वो वहाँ पे छोड़ देते थे, जिस तरह पारसीज़ करते हैं कि वो उनका दफनाने का तरीका होता है। तो वो चीज़ पहले वहाँ पर उस जगह पर टॉप पर होती थी। तो इस जगह पर बेसिकली दो रिलीजन भी आपस में मिलते हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है बाकू की। बीबी हकीमा जब यहाँ पे आई तो आपको वो जो गुंबद नज़र आ रहा है ऊपर, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। तो जो भी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं वो वहाँ पे भी ज़रूर जाते हैं। ऊपर पहाड़ी के ऊपर उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, उस जगह को इन्होंने प्रिजर्व रखा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरी मस्जिद इतनी बड़ी ये बनी हुई है, क्या बात है। ओके, वी आर एट द मंगल स्टेक हाउस। यहाँ पे ज़रा मास्टर क्लास होगी, स्टेक्स वगैरह कुछ खाएंगे हम। और दिस इज़ वन ऑफ द लग्जरी फूड ऑफ बाकू। यहाँ पे हमें टीम लेके आइए। भाई दिस इज़ द मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट फैंसी रेस्टोरेंट। जो यहाँ पे विंटेज डेकोरेशन है, जो एम्बियांस है, जो फ़ानूस यहाँ पे लगे हुए हैं, जो माहौल है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। और आई होप कि फूड भी वैसे ही होगा। This is the chef of this restaurant, Raul Karim. Assalamu alaikum. He's very well known, he's famous. भाई यहाँ पे हमें दे रहे हैं शेफ़ शाह पुलाव की मास्टर क्लास, और ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव है जो कि मंगल स्टेक हाउस की एक स्पेशलिटी है। पुलाव के डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स आए हैं भाई, ये सारे पुलाव के अंदर डलेंगे। मीट है, ये पानी है, ये नट्स हैं, किशमिश है, डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली होता ये है कि राइस होते हैं, लेकिन उससे पहले जो चपातियाँ होती हैं उनको बटर में डिप करके जो है वो पूरे जो पॉट है उसको उससे कवर्ड कर दिया जाता है, उसका बॉर्डर बना दिया जाता है, फिर राइस डाले जाते हैं, उसके बाद उसमें खुबानी, आलू बुखारा, बीच बीच में ज़ाफ़रान की लेयर्स का तड़का लगाया जाता है, और उसके बाद जो है ना उसमें गोश्त डाला जाता है, लैम मीट, लेयर्स लगाई जाती हैं, और फिर ऊपर ज़ाफ़रान और सारी चीज़ें करके उसको ओवन में रख दिया जाता है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कुक होने के लिए। लेकिन ये भी जो सारा सीज़न ड्राइड थी, किशमिश वगैरह भी इसके अंदर, ये सारी जो है वो एक दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है। ओके भाई, जो एपेटाइज़र्स आए थे वो सब माशाल्लाह शुरू कर चुके हैं। ये एपेटाइज़र्स के अंदर ही इतनी चीज़ें आई हुई हैं कि इसी में हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रख के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चेक करें पूरा इतना ज़बरदस्त ये फ्रूट एंड चीज़ प्लेटर है। 8-9 किस्म का चीज़ प्लेटर है ये, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर। इसमें जो है ना वो हनी भी है, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ है ये। बहुत 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 ज़बरदस्त। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये खरबूजे की फाँकें हैं, लेकिन ये है चीज़ चीज़ है। अच्छा, मैंने वाकई इतना नहीं, ये खरबूजे के बाकी से ये एक पोटली के अंदर पूरा चीज़ है, इसके अंदर भी चीज़ है, और ये खुद भी खाने वाली है ना, खुद भी मेरे ख्याल में। दिस इज चीज़, यू कैन ईट इट। हमारा जो वोंग टोंग होता है ना, वोंग टोंग, ये चीज़ चीज़ का ये वोंग टोंग, आई थिंक इसको इसी तरह खाना चाहिए, लाइक दिस बॉक्स यार। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस वाह, अलग वाह वाह, मतलब एक जो रॉयल एक्सपीरियंस होता है ना,
शहाना भाई, अमेजिंग यार। यार ये देखें, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये फ्लावर्स के साथ, ये वेजिटेरियन डिश है, एग प्लांट लवंगी। और इसके साथ साथ भाई ये इतना बड़ा प्लेटर सैलेड का, ग्रीन्स है इसमें खाली, फ्रेश सैलेड है। तो सैलेड इज़ अ मस्ट इन एवरी अज़रबैजानी मील। क्या बात है भाई। सारी जो रोटियां बटर में लगाई गई थी वो अब बिल्कुल डबल रोटी की तरह क्रिस्पी हो गई है। और ये जो ये मैजिक करते रहते हैं ना, no one is having a good time with the smoke. शाह पुलाव जबरदस्त, रोटी भी साथ में दे रहे हैं, जबरदस्त। पाकिस्तानी कौन सा टीम एंजॉय करते हैं, मजा करें, मजा करें। थैंक यू। भाई अब रिलैक्स स्टार्ट, हमारा सीन तो हो गया है, हम दोनों भाइयों को हो गया। चलें भाई सबसे पहले ट्राई करें ब्रेड, चलें ब्रेड करते हैं। मेरे ख्याल में ये देखिए कितनी क्रिस्पी ब्रेड है, मक्खन के अंदर तर हुई भी और पूरी बेक हुई भी है, और मक्खन नजर आ रहा है इसका अभी तक। हाँ क्रिस्पी टेक्सचर, बिस्मिल्लाह। मज़ेदार रोटी, अच्छी खासी हैवी है, इतनी सारी रोटी इन्होंने दी है, मतलब ये पूरा बहुत हैवी डिश है ये। बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह। पहले खाली राइस फ्राई करते हैं, खाली राइस भाई लाजमी है। बहुत ही मज़ेदार, एकदम खिले खिले चावल हैं, और ज़ाफ़रान की बड़ी मज़ेदार खुशबू उसके अंदर आ रही है, गोश्त का भी टेस्ट है, और साथ साथ ये इन्होंने जो उसके अंदर खुबानी और आलू बुखारा डाला है उसका एक किशमिश के साथ मिल के जो है ना, थोड़ा सा एक जैसे काबली पुलाव के अंदर भी एक मिठास होती है ना हल्की सी गाजर की और किशमिश की, वो इसके अंदर आ रही है, क्योंकि मीट के अंदर कोई स्पाइस नहीं है, कुछ नहीं है। मीट अगर ना भी हो राइस के साथ तो राइस का में उसका टेस्ट ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी फील होना शुरू हो गया है। मीट आप इसके साथ खाएं या नहीं खाएं, मेरे हिसाब से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, और वो वैसे ही पक पक के ना गोश्त अपना जायका पूरा चावलों में उसने छोड़ दिया हुआ है, और डेढ़ घंटे तक जो पका है तो गोश्त की पूरी यखनी जो है वो चावलों के अंदर आ गई है। मुझे तो सादे चावल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो गोश्त थोड़ा फीका फीका लग रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा गोश्त थोड़ा फीका फीका है उसमें। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर मैंने कहीं भी जो है ना अभी तक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देखी, पेप्सी कोक स्प्राइट ये वो कुछ सर्व नहीं की जाती, सर्व किया जाता है यहाँ पर ये या तो बेजल ड्रिंक है या फिर ये मिक्स फ्रूट का ड्रिंक है। टर्की के अंदर भी मैं गया था तो मैंने ये चीज़ देखी थी, यहाँ पे भी ऑब्वियसली उसी तरह का कल्चर है, तो हमारे लिए जो है ना वो एक सीखने की चीज़ है कि भाई अपने खानों के अंदर ठीक है मिर्च मसाले हमारा कल्चर है हमें पसंद है, लेकिन हेल्दी ईटिंग जो है उसको लाजमी हमें इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। और बहुत ही मज़ेदार खाना था, ये खाना फिनिश करते हैं उसके बाद फिर आगे का भी प्लान है, ज़बरदस्त। खाना खा के हम आ गए हैं भाई एक बाज़ार में, और ये बाज़ार जो है ना यहाँ पे ये इंडोर बाज़ार है पूरा, ये पूरा शॉपिंग मॉल की तरह का एक जो सुपर स्टोर इम्तियाज़ वगैरह है ना हमारा, उस टाइप का बाज़ार है, ज़रा इसको भी विज़िट करते हैं। ये मैंने अखरोट देखे थे, ये पता नहीं था पेशावर में हमारा जो नायाब ड्राई फ्रूट है ना उसके पास हमने, भाई ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देखें ये मैंने ये जो खजूर है ये सब है, यहाँ पर खुबानी है, आलू बुखारा है, और ये सब कीनू पाइनएप्पल ये चॉकलेट वाला आ गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी पेशावर में नायाब ड्राई फ्रूट रिसेंटली, वहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट जो अज़रबैजान में नज़र आ रहे हैं ना मेरा ख्याल है यहीं से मंगवाते हैं, वो भी यहाँ पे हैं, ये चॉकलेट वाला अखरोट भी
यहाँ पे है। ये देखो भाई, ये सब हलवे हैं, मिठाइयाँ, ये पिस्ते का है। मुझे क्या क्या सुंघा रही है, विस्की कह रहा है, विस्की है ये, विस्की सुंघा दी मुझे, विस्की ड्राइड विस्की, चाय अज़रबैजान, अज़रबैजान विस्की, अज़रबैजान चाय, चाय 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 टी चाय, यू सेइंग विस्की, ओके ओके, चाय चाय अज़रबैजान की चाय। भाई सुबह जब हम गार देखने के लिए जा रहे थे, जब हमने देखा कि जो इनकी और भी मार्केट्स है ना, मंडी वगैरह, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, ये सारी मंडियाँ जो है वो शहर के बाहर सारी की सारी शिफ्ट हुई हुई थी और वहाँ पे सारे ट्रॉलर्स वगैरह थे, तो शहर के अंदर जो आती नहीं है। पहले इनकी सब्ज़ी मंडी और सारे मेन बाज़ार जो थे, जोड़िया बाज़ार वगैरह टाइप के, वो एयरपोर्ट के सामने थे। फिर 20 साल पहले उन्होंने तकरीबन सबको शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह ये जो बाज़ार है जहाँ पे लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं, ये भी इनडोर है पूरा का पूरा। और जो जैसे कि यहाँ पे कचरा वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मार्केट के अंदर ही अंदर इस शेड के अंदर ही रहती हैं। बड़ा वेल मैनेज्ड डिसिप्लिन माहौल है यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको, और इसी तरह प्लानिंग के साथ चीज़ें मेरे ख्याल है होनी भी चाहिए। अरे 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 अरे, कैन आई ग्रैब इट भाई? ये है असल मिर्च भाईजान, इधर आए इधर आए, आप मिर्च खाने के, ये मिर्च खा के दिखाओ तो फिर समझ में आए, पता चले है ये मिर्च का बाप है, ये डंडा है, डंडा मारो किसी को। भाई साहब ये तो मीठी है, ये स्वीट है, और ये तीखी है भाई। साइज देखिए आप इनके यार, साइज कितने बड़े। ये प्याज है भाई, प्याज, ये प्याज है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारी लोकल वाली प्याज यहाँ पे, ये एक लंबी लंबी प्याज होती है, ये भी यहाँ पे, और ये जो है ना, ये भी प्याज है भाई, बड़ी साफ सुथरी सी है, सारी नीचे गिर गई। ये देखो भाई, ये बेबी टोमेटोज है, माशाल्लाह। अंगूर देखें यार, कितने किस्म के हैं, 5 किस्म के अंगूर, ये देखो। We have anar festival in our country. Okay. All type of anar can be found in Azerbaijan in our country. Fresh, delicious, sweet. Okay. ये देखें भाई अनार इसमें। यार नीचे बिल्कुल लाल लाल खूबसूरत अनार रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहीं पे अनार का जूस निकल रहा है। अनार नेशनल फ्रूट है अज़रबैजान का, और बहुत ज़्यादा अहमियत है अनार की जो है ना इनकी कल्चर के अंदर भी। खट्टा खट्टा मज़ेदार। ओ हो 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 हो, ये है सही वाली फिश मार्केट, यहाँ पे ये फ्रेश फिश भी है भाई सारी, ये चेक करें आप, ट्राउट की तरह लग रही है, कह रहे हैं कुछ और नाम है, ये है caviar. These are which means egg fish. Fish egg. Both of them are beluga. This was small fish, but this one was big fish. Egg, fish egg. Yeah, fish egg. भाई ये caviar है, caviar होते हैं मछली के अंडे basically, और ये marinated है किसी चीज़ के अंदर। इनको थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि try करें। तो ये हम try करेंगे। चेक करते हैं कैसे हैं, कैसे हैं। मैंने मशवरा दिया है भाई को ट्राई कर। और ये काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसिव चीज़ है, और इसे 150 ग्राम से ज़्यादा आप इस कंट्री से बाहर लेके जा नहीं सकते। और नायाब भी है, नायाब भी है। और ये भाई ने, अब्दुल मालिक फरीद ने ट्राई किया था, आपको कैसा लगा भाई? खट्टा था, सॉल्टी था, और मुझे वो कच्चे वाला ज़्यादा टेस्ट नहीं आया, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ना, इसमें अपना वो मछली वाला टेस्ट मुझे मुझे तो वो आपके जहन में मछली थी, मछली कच्ची है तो मछली के अंडे ही ना। हाँ जी, बाज़ार से हम आ गए हैं मेन सिटी सेंटर की तरफ, और अब जा रहे हैं हम निज़ामी स्ट्रीट की तरफ, जो कि बाकू का सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। जो भी बाकू आता है वो निज़ामी स्ट्रीट ज़रूर जाता है। ज़रा चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। जो भी बाकू आता है भाई जान, सलाम, चले चले,
सलाम। और सुनाइए कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कहाँ से हैं? मैं करा आपके शहर से सर। अरे माशाल्लाह, चलो भाई यहाँ पे भी जो है ना खुशबू आ गई। कोई अपना मिल जाए दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में, तो फिर मजा ही आ जाता है। माशाल्लाह। नो आई एम वॉचिंग हिज चैनल, ही इज वेरी फेमस इन ये है भाई निज़ामी स्ट्रीट। बेसिकली दोनों तरफ यहाँ पे जो है ना वो रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे दुकानें हैं। जो भी तो आप शॉपिंग करें तो शॉपिंग के लिए रिकमेंडेड जगह नहीं है ये। हाँ, ज़रा सा चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं। और हमने भी विज़िट कर लिया है, खाना हम यहाँ पे नहीं खा रहे, हमें डिनर करना है। महारानी रेस्टोरेंट है एक, जो कि पाकिस्तानी इंडियन कुजीन है, वहाँ पर हम जाएँगे और आज वहाँ पर खाना खाएँगे। निज़ामी स्ट्रीट से निकलते हैं और महारानी चलते हैं। You are from India? Yes, sir. What's your name? Aman. Amal? Aman. Aman? Yes. From where you are? Rajasthan. Rajasthan? Rajasthan. Hamara thar. Bhai, aapke. Hamara thar hai? Bilkul. Kesariya? Kesariya hai? Bilkul, sir. Aman bhai hai, bhai, hamare saath Rajasthan ke, aur restaurant manager hai aap? महारानी रेस्टोरेंट। सो सोमिया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? I'm here for last 8 years, and we just started this place 5 years back. Okay. Yeah. And you are in India. You are from? I'm from Kerala, south part of India. Okay, okay. Exactly. That's why your Hindi is not very good. Yeah, I can understand properly, but my reply is not that good. Okay, okay. Yeah. Okay. I have a lot of Indian friends and South Indian people also watch my videos. Great. Yeah. So it will be a very good experience eating at Maharani Indian restaurant, because as a Pakistani it's very difficult for me to go to India, South India and taste. So do we have something South Indian which we will eat? No, we didn't include South Indian. Okay. Meal actually. We have authentic Indian, North Indian Pakistani. Yeah, exactly. Our food is the same almost. Yeah, thank you, Soumya. Thank you for talking to me. Thank you. Yeah, nice to host you all here. You can say hello to your family in South India. Yeah, hello to everyone. And Indian and Pakistani together in Baku. Exactly. Yeah. Exactly. हॉट एंड सॉर सूप आया है हमारा सबसे पहले भाई, और इसके साथ लेमन भी दिया है इन्होंने। वेरी नाइस। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, ये हमें कहीं भी बाकू में अब तक नज़र नहीं आई थी। बेजल ड्रिंक और जूसेस वगैरह ही मिल रहे थे, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी जो है ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर इनका खाना चलता नहीं है। व्हाट इज़ दिस? गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन। और मन लेकर आए हमारे लिए, ये आपके लिए तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन, गोभी मंचूरियन विद मिंट सॉस। वेरी नाइस भाई, ये स्टार्टर ही चल रहा है। मैं तो समझा था मेन कोर्स आ गया है, लेकिन ये जो तंदूरी चिकन है ये भी स्टार्टर में आया है, और ये जो गोभी मंचूरियन है ये भी हमारे स्टार्टर में ही आया है। गोभी मंचूरियन भी मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस। चेक करते गोभी, क्योंकि थोड़ी सी इसका स्पंजी सा एक टेक्सचर होता है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रॉन मंचूरियन खा रहे होते हैं, तो वो वाला इसके अंदर जो है ना मुझको टेक्सचर आया है। और वही जो स्पाइसी होते हैं हमारे खाने मसालेदार, वही मंचूरियन के अंदर तड़का है। इतना मज़ेदार, इतना मसालेदार, इतना चटपटा लजीज है ये कि बहुत ही आला। और अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना ये तंदूरी चिकन। क्या बात है, कुछ भी कर लो भाई, जो अपने खानों की बात है ना वो और कहीं भी नहीं है। बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी चिकन है, बहुत लजीज मसालेदार। थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो हमारा सिग्नेचर शॉट है ना नींबू निचोड़ने का, ये तो इसके ऊपर आना बनता है। और इसको हम खाएंगे थोड़ा सा मिंट सॉस के साथ। हम्म,
भाई लीमू निचोड़ने के बाद और ये पुदीने की चटनी लगाने के बाद जो चिकन का टेस्ट बना है वो मज़ा ही आ गया है. द गोभी मंचूरियन इज अमेजिंग. इट डजंट फील लाइक आई एम ईटिंग अ वेजिटेरियन डिश और अ नॉन वेजिटेरियन डिश. एंड चिकन तंदूरी इज आल्सो स्पेशली विद द लेमन एंड द मिंट सॉस. थैंक यू. हैप्पी टू नो दैट सर. थैंक यू सो मच. और ये नूर भाई ने जो है ना अपने लिए स्पेशली दाल चावल मंगवाया है. हैं नूर भाई? या दाल चावल यू लाइक इट? या हमारा दाल चावल बाकू में जो है ना वो धूम मचा रहा है. जमील भाई हाउ? जमील भाई हाउ वाज द तंदूरी चिकन? इट वाज अ लिटिल बिट स्पाइसी फॉर अस बट नॉट वेरी इट्स डिलीशियस. जमील इज अ वेरी वेरी वेल स्पोकन वेरी टैलेंटेड वेरी educated guide. He knows everything about Azerbaijan history, the places we visited. I will share his Instagram in my video description, so you may contact him if you are coming to Baku. Assalamualaikum. It's nice of you. Bhai apna dal chawal. Dal thodi khatti hai. Dal chawal is my favorite. Maza aa gaya. Okay. क्या बात है भाई क्या बात है. ये आया हमारा मेन कोर्स. दिस इज मटर रोगन जोश. मटर रोगन जोश देन आलू गोभी. आलू गोभी. दिस इज पनीर कढ़ाई. पनीर कढ़ाई. देन चिकन बिरयानी. ओह बिरयानी. देन ये आ गया दाल तड़का. वाओ. देन तंदूरी रोटी. तंदूरी रोटी. ये अगेन नान. नान. देन पिकल. वाह वाह वाह. और ये बिरयानी के साथ रायता. क्या बात है भाई क्या बात है. अमन भाई छा गए आप. एंजॉय योर डिश. थैंक यू थैंक यू. खाना आया भाई दिल खुश हो गया. देख के दिल खुश हो गया. तो भाई मैं टेस्ट करूँगा सबसे पहले पनीर कढ़ाई क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना वो पनीर का बहुत ज़्यादा खाने का रिवाज है. टेस्ट करेंगे. बिस्मिल्लाह. कढ़ाई का ज़बरदस्त मज़ा. बहुत ही फ्लेवरफुल. और पनीर का जो टेस्ट होता है वही ऑब्वियसली इसके अंदर आ रहा है. मसालेदार मज़ेदार. और दूसरे नंबर पे मैं टेस्ट करता हूँ भाई ये मटन रोगन जोश. कढ़ाई के अंदर भी टोमेटोज़ का काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ है. मटन रोगन जोश में भी हुआ हुआ है. लेकिन जो अपने खानों का स्वाद है ना वो इन सब चीज़ों के अंदर अभी आ रहा है. इसके बाद मैं ज़रा ये आलू गोभी भी चेक कर लूँ और उसके साथ ये थोड़ा सा अचार. आलू गोभी में जो अचार आया है अल्टीमेट सीन हो गया है भाई. मटन रोगन जोश आलू गोभी और पनीर कढ़ाई अपनी जगह. लेकिन जो बात दाल की दाल रोटी की और दाल चावल की है उसकी तो बात ही और है भाई. और अभी बिरयानी बिरयानी का नंबर आ गया है भाई. बिरयानी बहुत ही शानदार लग रही है देखने में. एक तो कलर बिरयानी का ऊपर से इसके ऊपर प्याज की जो है ना वो टॉपिंग हुई हुई है और ये काजू भी डले हुए हैं. ये अंदर से जो चावल निकले हैं थोड़े से मसाले वाले और इसमें चिकन भी है यकीनन. ये रही चिकन. अच्छा बोनलेस चिकन है ये भाई. बोनलेस चिकन के चंक्स डले हुए हैं बिरयानी के अंदर. बिरयानी तो भाई फिर बिरयानी है ना. बहुत शानदार चावल है. खुशबू बिरयानी की बहुत आला आ रही है. लेकिन जो कराची वाली बिरयानी है उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि बिरयानी के टेस्ट जो है ना वो वेरी करते हैं पकवान टू पकवान सिटी टू सिटी. बहुत शानदार. और मेरे ख्याल है अगर बोनलेस चंक्स की जगह ये जिस तरह बिरयानी में पूरी चिकन होती है वो डालते हैं तो वो बोन्स का भी एक जो टेस्ट है ना वो आता है. लेकिन फिर भी बहुत शानदार है मज़ेदार है. मीठे में आइए भाई गुलाब जामुन. बड़ी सॉफ्ट मज़ेदार मीठे गुलाब जामुन वही ट्रेडिशनल जायका. और गुलाब जामुन से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चाय के लिए क्योंकि तुर्की में आज़रबाईजान में इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये अपनी वाली चाय जो है वो मिलती नहीं है भाई. दूध पत्ती ये जो खुशी है ना चाय वाली ये लफ्ज़ों में बयान हो नहीं सकती. बहुत आला मज़ा आ गया वाकई महारानी पे आके.
मज़ा आ गया। ओके भाई, तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ। बहुत ही मज़ा आया यहाँ महारानी पे आके, और ओवरऑल आज़रबाइजान का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेट बहुत भर गया है, हम भी होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, एवरीथिंग वाज अमेजिंग, स्पेशली द तंदूरी चिकन, गोभी मंचूरियन, दाल चावल, एवरीथिंग वाज फैबुलस। थैंक यू।